वहीं मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने के बाद से चुनाव आयोग को अब तक खराब ईवीएम, अफसर, शराब, पैसे सहित अन्य तरह की शिकायतें पहुंची हैं। लेकिन पहली बार निर्वाचन आयोग के पास एक ऐसी अर्जी पहुंची जिसमें भोपाल की मतगणना को 3 दिसंबर के स्थान पर किसी और दिन कराने की बात कही गई है। अर्जी में बताया गया है कि 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे और फिर ढोल नगाड़े बजेंगे जिससे हजारों मृतक आत्माओं को कष्ट पहुंचेगा। दरअसल 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी है। 1984 में 3 दिसंबर के दिन ही यह त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है जिसके बाद भोपाल में जश्न का माहौल रहेगा। भोपाल गैस त्रासदी को लेकर यहाँ के प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग से अर्जी लगा दी है। भोपाल जिले के 4 प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आयोग से की अपनी अर्जी में बताया गया है कि 3 दिसंबर को 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। इस त्रासदी में हजारों लोगों की मौत हुई थी। अब तक दिसंबर को ही मतों की गणना है और जीतने वाले प्रत्याशी जश्न जरूर मनाएंगे, ढोल नगाड़े भी बजाएंगे, इससे मृतक आत्माओं को कष्ट पहुंचेगा।